الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى पिंडाल के अंदर वो नौजवान साथी यहीं पर रहे खिदमत के साथी अल्हम्दुलिल्लाह सारे ब्रदर इस्लाम को और अहले वतन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद मुबारक और इंशाल्लाह ये तकरीबन 30 दिनों के मेहनत के बाद 30 दिनों की मुशफ़क़त के बाद 30 दिनों के रमज़ान के एक जो बहुत सिलसिले बहुत सदियों से चलते हुए आ रहा है कि रमज़ान के अंदर लोगों के अंदर तब्दीली आती है तो इस बार की जो तब्दीली है वो देखने में एक नया डायरेक्शन मिला। यहाँ पर हम ब्रदरान दूसरे हमारे ब्रदरान से मिलकर उनको बुलाकर उनके साथ मिलकर इस बार इफ्तार वगैरह भी हुआ तो मैं समझूंगा कि ये जो अहम हंगी है और जो सिलसिला शुरू हुआ है वो रमज़ान के बाद भी शुरू हो और कंटिन्यू हो, इसी तरीके से समाज में एक अच्छा इमेज हम लोगों का बने और समाज के अंदर हम लोग सही शहरी के साबित हों। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तरफ से आलम इस्लाम को मैं ईद अल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हर मज़हब के लोगों को और कर्नाटक के मुसलमान और हर मज़हब के लोगों को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तरफ से ईद अल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस मौके पर अल्लाह का ये फजल करम है मुसलमानों पर कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने को अमन व सुकून के साथ हमें अता करने की तौफीक अता फरमाई और इस ईद के मौके पर मैं हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों से इस इल्तजा करता हूँ कि अमन व अमान को कायम रखें और हमारे जितने भी मुसलमान हैं वो मैं इल्तजा करता हूँ कि तालीम को पुरजोर दें ताकि हर घर में हमारे तालीम
ताकि हर घर में हम तालीम मिले। सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, पूरे दुनिया के जितने भी मुस्लिम हैं सारे आलम को है ना मैं मुबारकबाद देता हूँ भाई। आपने खुशी और खुशी के साथ है ना, ये रहमत का महीना है, बरकतों का महीना है, इसे देख के जब अपने हासिल करना है तो नेकी का करना, नेक काम करना, रोज़ा रहना, नमाज पढ़ना, अल्लाह से दुआ करना है ना, हिंदू मुस्लिम इसमें क्रिश्चन जो भी हो हम सब मिलकर भाई भाई क्या भाईचारगी का ये करके हमें आगे बढ़ने का है। हमें हिंदू अलग नहीं, मुसलमान अलग नहीं, सिख ईसाई कोई भी अलग नहीं है, सब हम भाई भाई हैं, सब मिल के एक इस पर इतना से काम। अभी आपके सामने रियासत कर्नाटक की एक अजीम शख्सियत अलहाज अमीर जान साहब, रियासत कर्नाटक का मरकज़ अहल सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के चेयरमैन और फेडरेशन ऑफ मसाजिद अहल सुन्नत व जमात जिसमें रियासत कर्नाटक की 600 से ज़ायद मसाजिद हैं उसके आप सदर हैं। अभी आप इत्तेहाद का पैगाम दे रहे थे और पूरी दुनिया इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबादी दे रहे थे और तालीम के मुतालिक भी इरशाद फरमा रहे थे। पूरी दुनिया जानती है और बिलखसूस हमारा मुल्क हिंदुस्तान जानता है कि ईद उल फितर के मौके पर मुसलमानों के घरों में दावतें होती हैं, सेवैयाँ पकाई जाती हैं, मीठा पकाया जाता है, बड़े लजीज खाने पकाकर हिंदू भाइयों को, सिखों को, ईसाइयों को बुलाया जाता है, ईद की खुशियां मनाई जाती हैं, आपस में गले मिलते हैं। यहाँ पर कोई मज़हब का भेदभाव हमारे मज़हब में नहीं किया जाता है, तमाम को बुलाया जाता है। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया कर्नाटका के तरफ से और मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मैं दिल की अमीर गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अहले वतन के वतन वालों को। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल रमज़ान बहुत आराम से और सुकून से, इत्मीनान से गुज़रा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से जो है अमन और शांति बने हुए रहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर और प्यार मोहब्बत और भाईचारे की ज़िंदगी करें हम। और इसके साथ जो है हम इंशाअल्लाह 15 तारीख को जो है सो दिल्ली के अंदर एक जो है बड़ा इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस रखा गया है। हमारा जो है मिनहाज लर्निंग रिसर्च सेंटर क़ायम किया गया है शाहीन बाग में, वहीं पे जो है इंशाअल्लाह एक इंटरफेथ का प्रोग्राम भी मुनक्कद की गई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है उसमें शामिल हो। अस्सलाम वालेकुम, ईद उल फितर के मुबारकबाद आलम हिंदुस्तान के तमाम मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों को मैं ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं मेरी तरफ से, रौसिया की तरफ से, अलमीन इदारों की तरफ से और मेरे पूरे स्टाफ के जानिब की तरफ से फिर एक बार सबको ईद की खुशी का इजहार करते हुए ईद मुबारक कहता हूँ। और हमारा जोर जो है बच्चों की तालीम पे है, हम करते आ रहे हैं और आगे करने का इरादा रखते हैं। इसके लिए जो भी मदद चाहिए हम इसके लिए हमेशा तैयार लिए, जैसा पुराना था वैसा अभी अब के भी हम लोग तैयार हैं इसके लिए। चूँकि हमारा ताल्लुक तालीमी इदारों से है, जैसे कि अलमीन एजुकेशन सोसाइटी जो मुख्तलिफ इदारे चलाती हैं मुल्क भर में, और गौसिया इंजीनियरिंग ट्रस्ट जो इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक, आईटी वगैरह चलाती है, तो हम इसके ज़रिए हम पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे
हमारे तलबा को जो है इल्म हासिल करें, मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के इल्म हासिल करें, मेडिसिन के इल्म हासिल करें, सिस्टम के अंदर आ जाएं, यूपीएससी का एग्ज़ाम दें, एसएससी का एग्ज़ाम दें। इन तमाम के लिए हम चाहते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं। आप आगे आइए, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं तो भी हम तैयार हैं उसको ट्रेनिंग देने के लिए, एसएससी का एग्ज़ाम आप लिखना चाहते हैं तो भी हम तैयार हैं आने के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान इस सिस्टम के अंदर आ जाएं, सरकारी नौकरियों में बड़ी बड़ी बहुतों पर पहुँचें और हमारी इस मेकानिज़म जो मशीनरी है गवर्नमेंट की उसके अंदर शरीक हों और मुल्क की तरक्की में एक हिस्सेदार बने। अस्सलाम वालेकुम, ईद अल फितर के मौके पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे आलमीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से और हमारी एंटायर टीम की तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौके पर हमारे बच्चों को ख़ास रिक्वेस्ट करता हूँ कि एजुकेशन पे कॉन्सेंट्रेट करें। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एंड एनी अमाउंट ऑफ नॉलेज इज़ लेस टुडे। टू गो आउट इनटू द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन in the world of getting good jobs outside, it's very important to excel in the education that you have. I wish you all the best. Allahu Akbar. Allahu Akbar. अस्सलाम वालेकुम। कर्नाटक के और हिंद के तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद आलम पाशा की तरफ से, और इस मुबारक दिन से इस मुबारकी के साथ मेरा पैगाम ये है कि भाई हर नौजवान कर्नाटक में मुसलमानों में खुसूसन यानी हिंदू भाइयों से अच्छा रहेंगे, अच्छे तो हैं हमें, यानी जैसा यूनिटी में रहेंगे और इलम समझो अगले साल तक जो आज जो है अभी जो कर्नाटका का इस अंदाज पे इलम की ज़्यादती एक्सेस ऑफ टाइम हमारा इलम में और तमाम तिजारतों में और यूनिटी में हम गुजारेंगे। ये डिसयूनिटी जो हो रही है 2023 और 2024 के इलेक्शनों के लिए, इसके लिए इसका नाम सिर्फ डिसयूनिटी ये 23 तक ही रहेगा। इसको हमें नज़र रखते हुए हमें तमाम चीज़ों से हमें यूनिटी रहेंगे वो सवाल ही नहीं है, हमें किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे, किसी कोई इशू में नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र मुहिद्दीन आप सबको इस ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे आज इस मौके पर नवाज़ देवबंदी साहब का शेर याद आता है, इलाज व रंज व गम हो तो हमारी ईद हो जाए, किसी का दर्द कम हो तो हमारी ईद हो जाए। जैसा कि हम सब अपनी ज़कात का पैसा देते आते हैं गरीबों में मिस्कीनों में, मैं चाहूँगा इस मरतबा हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी दें, उन गरीब बच्चों को दें हमारे माशरे में जो आगे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारे माशरे को तालीम की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि हम जहाँ तक हो सके हमारे बच्चों को पढ़ाएँ और फिर एक बार आप सब की खिदमत में ईद की पुरखलूस मुबारकबाद पेश है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इदरीस चौधरी, जनरल सेक्रेटरी रसल मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन, डिलीशियस डेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स का ओनर। मैं अपनी जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा को मैं ईद उल फितर की मुबारकबादी पेश करता हूँ। जोर से करना भाई, इतनी ज्यादा आवाज आ रहा, इतना बड़ा बचपा माशाल्लाह, तो जोर से बोलो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह
جو ہمارے درے ورکا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد اللہ ذخیرہ کھول کر اس ادارے کا تعاون فرمائیں. السلام علیکم. صفوں کو درست فرما لیں. جماعت کے کھڑے ہونے میں صرف 10 منٹ باقی ہیں, صفوں کو درست کر لیں. 2 رکعت 6 زائد تکبیروں کے ساتھ تابع اس امام کے ادا کرتا ہوں. زبان سے نیت کہیں تو بہتر ہے, اگر زبان سے نہ کہیں دل میں صرف اس کا ارادہ اور خیال بھی آ جائے تو نیت ادا ہو جائے. پھر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں کا خواب اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھیں گے, اور ثنا پڑھی جائے گی. ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی. ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذریعے سے ہمارے اندر اتحاد ہو, اتفاق ہو. اسی لیے ہمیں جو ہمارا جو عیدگاہ ہے, جو والد صاحب ہمارے مسلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ عیدگاہ قائم تھے, عیدگاہ عبدالرزاق, اس کے پڑوس میں گاؤں ہے, وہاں گاؤں میں بھی ہم مٹھائی تقسیم کی غیروں میں تاکہ ایک امن کا اتحاد کا پیغام دوں. اور یہاں بھی اچھا بہت اچھا ماحول تھا. 2 سال کے بعد جو مجمعہ ہوا تھا تقریباً 2000 کا مجمعہ, الحمدللہ بہت خوشیوں کے ساتھ آخر عید کی نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ گئے. اور آج کے اس دن میں ہم لوگ جو ہے امن کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. عید جو ہے اکثر ایک امن کا دن ہوتا ہے, تو اس دن میں جو ہے ہر جگہ امن پیس اور شانتی رہتی ہے. تو تمام سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ اسی کو ہم لوگ قائم رکھتے ہوئے, یونیٹی اور ڈائیورسٹی کو قائم رکھتے ہوئے ایک تگا پیغام دیں. ہم لوگ جو ہے ہندو کرسچن مسلم سب ہیں بھائی, انشاءاللہ ہم لوگ بھائی بن کر رہیں گے اور اس ملک کی ایکتا امن اور شانتی کو ہمیشہ قائم رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اصل میں پیغامات اس سے پہلے بھی دیے جا چکے ہیں, اس کے بعد بھی دیے جاتے رہیں گے. تمام پیغاموں کا لب لباب ایک محبت ہے. اگر محبت ہے تو عید ہے, محبت ہے تو رمضان ہے, محبت ہے تو عبادت, اور اگر محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. عید کی شام میں ارشاد فرماتا ہے, یا ملائکتی ما جزاء اجیرین وفا عملہ, اے میرے فرشتوں ان کا کیا بدلہ ہے, اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا کام پورا کیا ہو. فرشتے عرض کرتے ہیں, مولا جزاء ربنا, قالو ربنا جزاؤہ ان یوفا اجرہ. فرشتے کہتے ہیں, مولا اس کی جزا, اس کا بدلہ, اس مزدور کو جو کچھ بھی
دیا جانا ہے، اس کی مزدوری یہ ہے کہ اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ تو اب یہ عید کے لیے پیغام یہ ہے کہ جس کی مزدوری مل جائے، جس کو اللہ کی جانب سے مزدوری مل جائے اور اس کو خوشیاں حاصل ہوں تو اس کی عید ہے، اور اگر واقعی اس نے ایسے ہی کچھ گزار دیا ہے تو پھر اس کے بعد میں رمضان اور غیر رمضان اس کے لیے سب برابر ہی ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار ضرور بندوں پہ فرماتا ہے، اور بندوں کو جب بندے کیا ہے عیدگاہ کی جانب نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ارشاد فرماتا ہے ملائکتی پدو عبیدی و امائی، کہ میرے بندوں نے، میری بندیوں نے میرے فریضے کو مکمل ادا کیا ہے، و یخرجون الیہ بالدعاء، اور وہ نکلے ہیں میری جانب نکلے ہیں، یعنی عید کی نماز کے لیے وہ لوگ نکلے ہیں، اور دعا کے ساتھ دعا کرتے ہیں، میری بارگاہ میں نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم، فغفرت لہم، میں نے ان سارے لوگوں کو بخش دیا جو عید کے لیے خوشیاں منا کر نکلے ہیں اور مجھ سے امید رکھتے ہیں، میں نے ان سارے لوگوں کو بخش دیا ہے۔ فیرجون مغفوراً، تو وہ جتنے بھی واپس آتے ہیں نا، سب کے سب بخشے بخشائے ہوتے ہیں، اور اچھے لوگوں کے ساتھ جو برے شامل ہو جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں نیکی اور بھلائی پر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور گناہ اور نافرمانی کے کام میں کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور نافرمانی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں دینی مدارس ہیں، اور بے شمار ملی فلاحی ادارے ہیں جو 12 مہینہ لوگوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ ماہ رمضان آتا ہے تو لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوتی ہے، نماز تراویح کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور سے زکوٰۃ، صدقہ خیرات کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک عام خیال لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید رمضان ہی میں زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور دنوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں، پہلے زمانے میں ہمارے اسلاف ماہ رجب ہی میں اپنی زکوٰۃ وغیرہ نکال دیا کرتے تھے تاکہ ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو رمضان کے روزے رکھنے میں سہولت ہو۔ ابھی ایک رجحان بنا ہے، چونکہ ماہ رمضان میں ہر نیک کام کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اسی لیے اپنی زکوٰۃ، صدقہ خیرات وغیرہ پر لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ویسے پورے سال میں کبھی بھی یہ نیک کام کیا جا سکتا ہے۔ ایسے حالات میں جبکہ دینی مدارس کو، فلاحی اداروں کو حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی، مدرسے بھی پورے سال کام کرتے ہیں، ادارے بھی پورے سال کام کرتے ہیں، تو ان اداروں کی خدمات کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب جس ادارے کو جیسی ضرورت ہو، ہم ان کا ساتھ دیں، ہم ان کا تعاون کریں، ہم ان کا ہاتھ بٹائیں۔ اس لیے کہ کبھی ایسی ضرورت آتی ہے ہمارے اداروں کو، چاہے مدارس ہوں چاہے ملی ادارے ہوں، کہ فنڈ کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہنگامی حالات میں کام رک جاتے ہیں۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ ادارے جتنے بھی ہیں، یہ لوگوں کی مدد اور لوگوں کے تعاون ہی سے چلتے ہیں۔ تو اگر ہم پورے سال اس کا اہتمام کریں کہ جب ضرورت ہو آپ ان اداروں کی مدد کریں،
ये हम सभी लोग जानते हैं कि आज दीनी निज़ाम अगर बाकी है, मेहराबो मिंबर की अगर हिफाजत हो रही है, तबलीग व इरशाद और हिदायत का फरीज़ा अगर अंजाम दिया जा रहा है, तो ये दीनी मदारिस से फारिग होने वाले जो हुफाज हैं, जो उलमा हैं, जो मुफ्तियान किराम हैं, ये जो इदारे से फारिग होकर निकलते हैं, यही मेहराबो मिंबर को संभालते हैं। ये इदारों में, नाजरा के मदरसों में अपनी खिदमात देकर, मसाजिद के सबाहिया और शाम के मदरसों में अपनी खिदमात देकर, उम्मत के बेशुमार बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करते हैं। तो जब और जहां जैसी ज़रूरत हो, हम सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मौजूदा हालात में हमने जो एक गफलत बढ़ती थी एक ज़माने से, कि इस्लाम जैसी दौलत को, कुरान जैसी किताब को और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रहमत को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, जो अब तक हम बिरादरान वतन तक नहीं पहुंचा सके, तो वो इदारे जो इन खिदमात के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, उन इदारों की मदद की सख्त ज़रूरत है। हमारा फरीज़ा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिलमारूफ वतनहौना अनिल मुनकर। कुरान फरमाता है कि तुम बेहतर उम्मत हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को अम्र बिल मारूफ यानी भलाई की दावत देते रहो और नहीं अनिल मुनकर यानी बुराई से लोगों को रोकते रहो। आज मौजूदा माहौल में ज़्यादा ज़रूरत है, लोग प्यासे हैं, तो कुरान और हदीस की, दीन की तालीम को आम करने के लिए खुसूसन दीनी मदारिस, मिल्ली इदारे, समाजी इदारे जो काम कर रहे हैं, इन इदारों का हाथ मजबूत करें, खिदमत में इनका साथ दें, इनका हौसला बढ़ाएं। काम करने वालों को जितना सवाब है, ताउन करने वालों को जितना सवाब मिलता है, ये जो इदारे काम करते इसी जज्बे के तहत करते हैं। हदीस शरीफ में है कि अद्दालो कफाई लही, कोई रास्ता दिखाने वाला, रहनुमाई करने वाला, मदद करने वाला, उसको भी उतना ही सवाब मिलता है जितना करने वाले को मिलता है। तो ताउन करने वाले को जितना सवाब मिलता है, ये इदारे जो काम कर रहे हैं, इनकी खिदमत की बुनियाद पर अल्लाह ताला इन्हें भी अजर सवाब से मालामाल फरमाता है। तो हम लोग इस पर तवज्जो दें और अपनी सदक़ात, खैरात, अतियात का सिलसिला हमेशा जब जहाँ ज़रूरत हो उसको जारी रखें। बल्कि ज़कात वगैरह भी वो इदारे जो ज़कात के मुस्तहिक हैं और ज़कात की रकम जो उनके मुस्तहिकीन तक पहुँचाई जाती है, ये ज़कात तो पूरे साल में कभी भी अदा की जा सकती है, ज़कात को पेशगी के तौर पर भी अदा की जा सकती है। तो जो लोग साहिब निसाब हैं ज़कात अदा करते हैं और जो लोग यूं ही अतियात वगैरह देते रहते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन इदारों को मजबूत करने के लिए जब भी ज़रूरत पड़ती है हम उनकी खिदमत करते रहें, हम उनकी मदद करते रहें। क्या भरोसा मेरे।